सहस्रार हमारा फाइनल गंतव्य है, हमारा लास्ट डेस्टिनेशन। हमारी जर्नी शुरू होती है टिप ऑफ द टेल बोन पे स्थित मूलाधार चक्र से और हम आगे बढ़ते हैं। हमारी नाभि से चार अंगुल नीच हम स्थित है स्वाधिष्ठान चक्र, फिर उसके ऊपर जाते हैं नाभि पर स्थित मणिपुर चक्र, फिर आते हैं अनाहत पे, वहाँ से यहाँ पर विशुद्धि और भ्रूमंडल के बीच हमारा आज्ञा, और ये है हमारा फाइनल गंतव्य, हमारा सहस्रार चक्र। सहस्रार, जैसा कि इसका नाम है सहस्र, सहस्र यानी थाउजेंड, सहस्रार चक्र थाउजेंड पेटल्स का बना हुआ है और हमारे क्राउन सेंटर पे स्थित है। दैट्स वाई इसे क्राउन चक्र भी कहा जाता है। और सहस्रार का कलर क्या है? वायलेट। रेनबो का जो विबग्योर है, रेनबो के जो सेवन कलर्स है विबग्योर, उसमें वायलेट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कलर। तो सहस्रार का कलर वही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वायलेट है। वायलेट सिंबलाइजेस स्पिरिचुअलिटी, वायलेट सिंबलाइजेस विजडम, वायलेट सिंबलाइजेस हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। दैट्स व्हाई द कलर ऑफ सहस्रार इज वायलेट। और सहस्रार बना है किस एलिमेंट का? दैट इज बियॉन्ड वर्ड्स, वी कैन एक्सप्लेन दैट। वो गुणातीत है, क्योंकि सहस्रार बहुत ही सटल है। इट इज मेड अप ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सो हम बस यही कह सकते हैं कि सहस्रार परम तत्व का बना हुआ है। इट इज़ मेड अप ऑफ डिविनिटी। और सहस्रार कनेक्टेड है किसके साथ में? मून के साथ। मून सिंबलाइजेस ट्रैंक्विलिटी, मून सिंबलाइजेस सरेनिटी, मून सिंबलाइजेस पीस ब्लिस। तो सहस्रार चक्र का भी वही गुण है। सहस्रार हमें पीस ब्लिस सत्चित आनंद की प्राप्ति कराता है। इसलिए जब सहस्रार बैलेंस्ड नहीं होता तब हम लाइफ में बिल्कुल डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। सहस्रार लोकेटेड है क्राउन सेंटर पे एंड दिस इज़ द एरिया ऑफ द ब्रेन। सो सहस्रार कंट्रोल्स आर ब्रेन, आर नर्वस सिस्टम, आर पिट्यूटरी ग्लैंड। दैट्स व्हाई व्हेन सहस्रार इज नॉट बैलेंस्ड आर ब्रेन फंक्शनिंग गोज हेवायर। द ब्रेन इज नॉट एबल टू सेंड सिग्नल्स टू द different parts of the body. हमारे body functions hampered हो जाते हैं because signals नहीं send होते हैं, neurological disorders हो जाती है हमें, हमें mental health में problem हो जाती है, mental disorder हो जाता है हमें. So it is very important that सहस्रार should be balanced, because सहस्रार अगर balanced नहीं होगा तो overall हमारे physical and mental well-being, हमारी emotional well-being, हमारी spiritual well-being, हमारे सारे well-beings में एक डिसफंक्शनैलिटी आ जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, सहस्रार हमें पीस और ब्लिस प्रोवाइड करता है, हमारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो जब सहस्रार बैलेंस्ड नहीं होता, सहस्रार में जो एनर्जी फ्लो हो रही है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उस समय हम बिल्कुल डिसकनेक्टेड हो जाते हैं। हम एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चले जाते हैं, हैलुसिनेशन के वर्ल्ड में हम चले जाते हैं और हम इस रियल वर्ल्ड से टोटली डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। वही ऑन द अदर हैंड, जब सहस्रार से एनर्जी फ्लो बराबर नहीं होती, इट इज हाइपो, देन दैट टाइम वी आर मेंटली वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड, वी आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट, हमारे अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ जाती है। और सहस्रार का रिलेशन किसके साथ है? सहस्रार का रिलेशन है हमारी माँ के साथ में। माँ को प्रथम गुरु की उपाधि दी गई है, इसलिए तो हमारे चक्र सिस्टम में भी अगर गुरु कंट्रोल करता है आज्ञा चक्र, तो सहस्रार इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय मदर, बिकॉज मदर को गुरु के भी ऊपर की उपाधि है। मदर हमारी प्रथम गुरु है, और क्यों ना हो, पूरे ब्रह्मांड में जब हमें कहीं शांति प्राप्त नहीं होती तो सिर्फ एक जगह है जो हमें शांति देता है, वो है माँ की गोद। माँ की गोद में जाते ही हम सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं, हम एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड में ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं, क्योंकि माँ की ममता ही वैसी है।
सो जिनका अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग रहता है, उनका सहस्रार बहुत सुदृढ़ रहता है, वो हमेशा पीस और ब्लिस में जीते हैं, ट्रैंक्विलिटी में रहते हैं, वो हमेशा एक सत्यचित आनंद की अवस्था में रहते हैं। और वहीं जिनका मदर के साथ डिस्टर्ब रिलेशनशिप होता है, वो हमेशा डिस्टर्ब्ड रहते हैं, वो मेंटली हेल्दी नहीं रहते, डिप्रेस्ड रहते हैं, सैड रहते हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव वेरी गुड रिलेशन विद आवर मदर इफ़ वी वॉन्ट टू हैव पीस ब्लिस ट्रैंक्विलिटी इन आवर लाइव्स। और सहस्रार का मंत्र क्या है? क्योंकि सहस्रार परम तत्व का बना है, तो इसका मंत्र भी हमारा परम मंत्र है, और वो है ओम। एंड द बेस्ट वे टू बैलेंस आवर सहस्रार इज बैलेंसिंग इट थ्रू द कलर एंड द साउंड फ्रीक्वेंसीज। तो सहस्रार के बना है वायलेट कलर का, और इसका जो बीच मंत्र है वो है ओम। तो जब हम आंख बंद करके अपने क्राउन सेंटर पे 1000 पेटल्ड वायलेट लोटस को हम फील करते हैं, अनुभव करते हैं, और ये फील करते हैं कि ब्रह्मांड से जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा है, कलर है, वायलेट कलर, वो ब्रह्मांड से आ रहा है और हमारे सहस्रार के ऊपर प्रोजेक्ट हो रहा है। जस्ट फील योर सहस्रार एब्सॉर्बिंग द वायलेट कलर फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड एज यू डू दैट, जस्ट चैंट ओम। दिस विल हेल्प यू टू बैलेंस the Sahasrara Chakra. And now Sahasrara can also be balanced by meditation, because meditation हमें क्या करता है, हमें एक inward journey में लेके जाता है, हमारी consciousness को raise करता है। तो जब हम meditation करते हैं, जब हम prayers में संलग्न होते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, और जब हम वो सारे कार्य करते हैं जिससे हम ईश्वर को प्रसन्न कर सके, उनकी सारी क्रिएशंस के प्रति हम जब एक अच्छा भाव रखते हैं, तो सहस्रार ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड होता जाता है। और सहस्रार को हम बैलेंस कर सकते हैं थ्रू योगिक पॉस्चर्स लाइक पद्मासन, शीर्षासन, ये सब हमारे सहस्रार को स्ट्रेंथन करते हैं। ओम की चैंटिंग हमारे सहस्रार को सुदृढ़ करती है, और सहस्रार की मुद्रा है just curl all your fingers and keep your little finger connected like this. और इस मुद्रा को आप अपने stomach के सामने रखें। This is the mudra for सहस्रार चक्र। और जब आप इस मुद्रा में रहते हो पद्मासन लगा के, और violet color को visualize करते हुए, अपने सहस्रार चक्र को feel करते हुए जब आप ओम की chanting करते हो, तो सहस्रार automatically balanced हो जाता है। सहस्रार कनेक्ट्स योर फाइनाइट सेल्फ विद द इनफाइनाइट। इट इज़ द डोरवे बिटवीन द फाइनाइट एंड द इनफाइनाइट। सो जैसे जैसे आपका सहस्रार बैलेंस्ड होता जाता है, वैसे वैसे आपकी कॉन्शियसनेस रेज होती जाती है, और सहस्रार का जो फाइनल स्टेप है वो है मर्जिंग ऑफ फाइनाइट विद द इनफाइनाइट। आपको मोक्ष मार्ग मैं आप अग्रसर होते जाते हो, और क्या पता एक वो क्षण कब आ जाए जब आप उनके साथ में विलीन हो जाओ। यू मर्ज विद दैट इनफाइनाइट सेल्फ, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ दिस बॉडी। सो सहस्रार हमें हमारी इस जो जर्नी है, 84 लाख योनि की जर्नी है, उसका कंप्लीशन करवाता है। सहस्रार हमें हमारे फाइनल जो गंतव्य है वहाँ पर लेके जाता है, एंड दैट इज मर्ज विद द इनफाइनाइट।